शुक्रवार का दिन है, अपने पर्स में रख दें ये चीज़ें, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप धनपति हो जाएंगे, धन का ऐसा सैलाब आपकी ज़िंदगी में आएगा कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। वैसे तो काम करते रहना चाहिए और 100 साल तक आप काम करते रहें, लेकिन पर्स में ये चीज़ रखने से आपका भाग्योदय होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये कुछ सिक्के हम आपको दिखा रहे हैं, संख्या बाद में बताएंगे, इनको आप अपने पर्स में रखते हैं क्योंकि पर्स कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। पर्स में इतनी संख्या में आप सिक्के रखते हैं तो आपका भाग्योदय होता है। आइए संपूर्ण विवरण आपको बताते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है, क्योंकि आपकी बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसको इतना ही सपोर्ट तुरंत देते रहिए, आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये जो कॉइन देख रहे हैं ना, ये इनकी संख्या 4 है। ये 4 सिक्के हैं और 4 का अंक राहु का होता है। राहु अथा दौलत जातक को देता है, तो आपको 4 सिक्के अवश्य ही अपने पर्स में रखने चाहिए और राहु की कृपा प्राप्त करने चाहिए। शुक्रवार को ही क्यों? क्योंकि शुक्रवार अनुकूल होता है राहु को। राहु और शुक्र आपस में मित्र हैं तो आपको फ़ायदा देते हैं, और शुक्र और राहु भौतिक संपदा बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपके यहाँ 4 सिक्के तो हर किसी के यहाँ मिल जाएंगे, एक एक के 4 सिक्के आप रखिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें रखनी हैं, वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो बहुत खास है, पूरा देखना। आपको खोपरे का चूरा पर्स में रखना चाहिए हमेशा, इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। आप इलायची भी रख सकते हैं, सौंफ भी रख सकते हैं, और मिश्री भी आप रख सकते हैं। ये अलग अलग एक साथ नहीं रखनी है, या तो मिश्री रखें या सौंफ रखें या इलायची रखें या खोपरा रखें। वैसे चारों चीज़ें मिलाकर भी रखी जा सकती हैं अपने पर्स में, और इसको निरंतर खाते रहें। इससे आपका शुक्र मजबूत होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आप पैसे वाले बन जाएंगे तुरंत। ये अथा प्रबल टोटका है, इसको आप करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। जो जातकों का शुक्र खराब है वो शुक्रवार का व्रत करें तो उनको फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।